हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग दोस्तों इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं। सुबह 5 बजे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके नॉलेज के लिए या फिर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी को रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, 19th और 20th दिसंबर दोनों दिन का न्यूज़पेपर कवर करेंगे। 19th का जो है द हिंदू कवर करेंगे और 20th के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। आने वाले 40 से 50 मिनट के आसपास है जो कि मुझे चाहिए होंगे, जिसके अंदर मैं आपको दोनों दिन का कवर करवा दूंगा। संडे के दिन ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये सारे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। और प्रीवियस डे के क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूज़पेपर, कुछ ये सब चीज़ें जो कि आपको आज के सेशन में मिलने वाली है, ठीक है। आज के सेशन में नहीं मिलेगी, आज मैंने आपको ये तीन ही चीज़ें जो कि आज आपको मिलने वाली है। मंडे कल से जो है हम लोग बाकी सब वोकैबलरी क्विज ये सब भी कवर करेंगे, आज तीन और ये चार, ठीक है। चलो आज कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल का 2022 एलुमनाई अवार्ड किसको मिला है, तो ये द हिंदू ग्रुप की जो हेड है मालिनी जी, उनको मिला था। नेक्स्ट हमने बात किया था WTO ने दोस्तों कौन से कंट्री को विड्रॉ करने के लिए बोला है सब्सिडी जो कि वो शुगर के सेक्टर में दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन था मनोहारी गोल्ड टी को लेकर, जो कि 1,00,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकी है, ये आसाम की टी है दोस्तों, ठीक है गाइस। चलिए, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है घर बैठे, तो आप अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। इंडिया के सारे एग्जाम के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। रेफरल कोड होगा BHU10 या BUNESH10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप ये रेफरल कोड UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। SSC है, UPSC है, जो भी आपके एग्जाम के गोल हैं, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए 12 या 24 मंथ पे, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आप लगा दीजिए, ठीक है गाइस। और स्पेशल क्लास की बात करें, शाम में 5 बजे होगी स्पेशल क्लास, और ये GS का फाउंडेशन बैच है, जहाँ पे मैं कंप्लीट आपको GK पढ़ा रहा हूँ। SSC कैटेगरी में, कैटेगरी SSC है, लेकिन आपको UPSC प्रीलिम्स से लेकर जितने भी एग्जाम है सभी के अंदर यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है। UPSC की प्राइसेस 23 तारीख से बढ़ने वाली है, तो रेफरल कोड लगा दिख के आप अपना लेटेस्ट ऑफर ले सकते हैं। 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अभी अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो, ठीक है गाइस। और एक बच्चे की एजुकेशन अगर आप जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये जरूर स्पॉन्सर करिएगा, ताकि आपकी वजह से एक बच्चे की जिंदगी बन सके। smilefromsociety.org की वेबसाइट पर जाके हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, ये क्यों हुआ मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस अक्सर लोग क्रिटिसाइज, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, कंडीशंस को ब्लेम करते रहते हैं, किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन चीज़ों से कुछ भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में नहीं होता है। कोशिश करिए, मुझे मालूम है कुछ भी गलत होता है तो उस टाइम पे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मतलब ह्यूमन नेचर है, लगना भी चाहिए, लगता भी है, इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते अपन, लेकिन ट्राई टू फाइंड सम गुड थिंग इन दैट। अगर आप इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करने लगते हो ना, तो यकीन मानिए आपके जो दुख होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत कम हो जाती है, और आप जो है चीज़ों को समझने लगते हो कि ये चीज़ अगर हुई है इवेंट तो ये होना ही था, इसके अंदर आपका या किसी और का कोई दोष नहीं है, और आपको मूव ऑन करने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करेंगे संडे की। संडे की बात करें तो दोस्तों एक बहुत खतरनाक डाटा है जो कि WHO के द्वारा बताया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल है सब कुछ, और यहाँ पे अफगान एम्बेसी की प्रॉब्लम यह है कि अब उनके पास, उनके स्टाफ के पास सैलरी देने के लिए नहीं बची है, क्योंकि तालिबान से तो कोई मदद आनी नहीं है, और तो वो यहाँ पे अफगान के एम्बेसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है उड़ान। ये किस लिए है स्कीम? ये है दोस्तों सैनिटरी नैपकिन के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है गाइस। सैनिटरी नैपकिन जो है उसकी है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ओके। तो हमारे देश में ऐसा होता है कि 2.5 करोड़ के आसपास, नंबर बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है, 2.5 करोड़ के आसपास लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम।
हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, उस टाइम पे उनको कोई गाइड नहीं करता, उस टाइम पे ना स्कूल में कोई प्रिंसिपल, ना कोई टीचर, ना कोई उनके बड़े कोई लोग, कोई भी गाइड नहीं करता, और इन प्रॉब्लम की वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाती है। 2.5 करोड़ लड़कियों का ड्रॉप आउट होना, सोच समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, एंटायर ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन एक तरीके से ड्रॉप आउट हो रही है। ओके, इसके अलावा बात करें 62% दोस्तों वुमेन भारत में आज भी जो है वो क्लोथ स्ट्रिप्स और ये सब काम में लेती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, जिससे कैंसर होने की, अनहाइजीनिक और बहुत सारे डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल के अंदर सब जगह पे इसके अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, लैक ऑफ नॉलेज, स्कूल नहीं जाएंगे, लैक ऑफ नॉलेज बढ़ेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोग है जो कि फील होता है इस टाइम पीरियड के ऊपर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इससे संबंधित ये योजना है जो कि लॉन्च करी गई है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले खतरनाक डेटा दोस्तों, 89 कंट्रीज के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस पहुंच चुके हैं, और बड़ी बात पता है क्या है, हर 1.5 से 3 दिन के अंदर केसेस डबल हो रहे हैं। अगर इसी रेट से डबल होते रहे तो आप समझ सकते हैं ना कि 2 महीने बाद में वापस से कितने सारे केसेस हो जाएंगे। इस पूरे के पूरे केस के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग, यानी कि नेगेटिव में पॉजिटिव जब हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग, तो इसके अंदर बस यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन इसमें बहुत ही लो है, तो होपफुली ये लो ही बना रहे। तो जहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी है ना, तो वेरिएंट स्प्रेड वहाँ पे बहुत ही रैपिडली हो रहा है। 24 घंटे में 10,000 केसेस यूके के अंदर ओमिक्रॉन के देखने को मिले, और वापस से वहाँ पे लॉकडाउन की, या जो अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उस पर कम भीड़ करने की चर्चा है जो कि यहाँ पे होने लगी है। लंदन के मेयर ने तो दोस्तों उसको एक मेजर इंसिडेंट है जो कि बोला है, और वापस से हॉस्पिटल और बाकी सबको रैंप अप करने के लिए वहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन यूके और पूरी दुनिया में होने वाला है, तो उस टाइम पे केसेस और ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है जो कि बताया जा रहा है। WHO का कहना है कि अभी हमारे पास में बहुत ज्यादा डाटा नहीं है ओमिक्रॉन का, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, उसी के बाद कुछ और रेलिवेंट चीजें हैं जो कि हम लोग बता पाएंगे। बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल अभी डाटा है ना, और ठीक है, और अभी तो इफिशियंसी है, कितनी परसेंट इफिशियंसी है वैक्सीन की, ये सब चीजें भी यहाँ पे बताई गई है। चलो ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन यूके और साउथ अफ्रीका के अंदर भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर छह की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। एक तो फ्रांस और इंडिया मिलकर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, ये तो खैर पुरानी बात है। DRDO के बारे में बात करेंगे, सेकेंड टेस्टिंग है जो कि करी गई है दोस्तों अग्नि पी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वापस से करेंगे। अग्नि पी का मतलब है अग्नि प्राइम, इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे लद्दाख को स्टेटहुड के बारे में बोला गया है, वहां के एकमात्र जो MP है जैमयांग, उनके द्वारा बोला गया है। ठीक है, और तो कुछ खास इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा के कोस्ट के ऊपर जो अपना आईलैंड है वहां से, और DRDO के द्वारा ये किया गया है। ये सेकेंड टेस्ट है जो कि कुछ दिनों के अंदर किया गया, पहले जून में किया गया था पहला टेस्ट, और अभी इसको दूसरा किया गया है। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सपेरिमेंट है जो कि माना गया है, बहुत ही एफिशिएंट और एक्यूरेट है जो कि ये मिसाइल मानी गई है। न्यू जनरेशन की एडवांस वेरिएंट ऑफ द अग्नि क्लास मिसाइल है। हमारा एक प्रोग्राम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, ये APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था पटना। अभी बताऊंगा इसके बारे में, पटना क्यों बोल रहा हूँ, सारे के सारे मिसाइल इसी के अंदर आती है। इसकी जो कैपेबिलिटी अग्नि पी की वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है। ठीक है गाइस, इसमें टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है लॉन्च करने का वो बहुत ही कम है। स्टोरेज और मोबिलिटी इसके अंदर इम्प्रोवाइज करी गई है, समझ गए, कई सारा इनोवेटिव गाइडेंस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्रोवाइज किया गया, नेविगेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज किया गया है। इससे हमारा जो कैपेबिलिटी है ना न्यूक्लियर मिसाइल की कैपेबिलिटी वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो गई है अग्नि प्राइम की वजह से। ठीक है गाइस, अग्नि प्राइम की पुराने वाली अग्नि से जो बेटर वर्जन है वो क्या है, इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है जो कि मानी गई है। ठीक है, हमारी अग्नि वन जो थी वो 800 किलोमीटर की थी, फिर 2000 किलोमीटर की, तीसरी 2500, चौथी 3500, और पांचवी जो है दोस्तों वो 5000 किलोमीटर तक हमने बनाई। अभी जो अग्नि 6 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो 8000-10000 किलोमीटर तक की रेंज की है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जो रेंजेज है ना ये ऑफिशियली डिक्लेयर करी जाती है, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। आप समझिए, जो अगर कोई देश अगर सैटेलाइट भेज सकता है, अगर कोई 2 करोड़ किलोमीटर तक मार्स के ऊपर
है ना, तो मून तक भेज सकता है, मार्स तक भेज सकता है, तो उसके लिए 10-20 हज़ार किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस हिसाब से तो हम लोग अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक ही नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। थ्योरेटिकली बताई जाती है दुनिया को मिसगाइड करने के लिए, रियलिटी में हमारी कैपेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है जो आपको रेंज दिखाई जाती है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो यही वाला दिखना है हमेशा, ठीक है ना। और ऐसा बहुत सारे देश करते हैं। मतलब चलिए, मतलब आपको मालूम होगा इसराइल ने तो आज तक बताया नहीं उसके पास न्यूक्लियर वेपन कितने हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी नहीं पता उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि उसके पास पड़े हुए हैं। बोलता है अब जरूरत पड़ेगी जब बताएंगे। ये क्या बात हुई, मतलब है ना, हम भी तो बता रहे हैं, सब लोग देश बता रहे हैं, वो बताता ही नहीं है। तो ऐसे ये सब स्ट्रैटेजी चलती रहती है। तो इसको अप्रूवल जो 1983 के अंदर हुआ था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2012 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। सबसे पहले हमने पृथ्वी लॉन्च करी, ये देखिए पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इस तरीके से हमने ये 5 मिसाइलें जो कि लॉन्च करी। पृथ्वी का मतलब क्या है, जमीन के ऊपर मार करना, सरफेस टू सरफेस। अग्नि का मतलब है दूर तक, है ना, और त्रिशूल का मतलब है लो सरफेस पे, सरफेस से एयर, जैसे त्रिशूल फेंकते हैं ना नीचे से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो सरफेस से एयर की तरफ मार करती है त्रिशूल मिसाइल। नाग 3 जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, टैंकों को उड़ाने के काम आती है, और आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश में जाएगी, समझ गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो देखते हैं, बिल्कुल ये वाला सेंट्रल एशिया के डायलॉग को लेकर। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेसी के अंदर जीत है जो कि हमें मिली है, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, देखो अफगानिस्तान का जब से मुद्दा हुआ है ना तब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो कि 3 कंट्री थे उसके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में जुड़ते हैं, समझ गए, और बाकी के 2 कंट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंट्रल एशियन डायलॉग जो है, अब हमने क्या किया था लास्ट ईयर भी, हमने सेंट्रल एशियन डायलॉग किया था इंडिया और सेंट्रल एशिया का। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया के यहाँ पे इंडिया को डिप्लोमेसी जीत मिली, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को सेम टाइम के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा IOC के अंदर इन्वाइट किया गया, जहां पे सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, साथ में एट द सेम टाइम दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर भी इनको इन्वाइट किया गया। इन लोगों ने जो है वो इंडिया में आना ज्यादा बेहतर समझा कंपैरेटिवली OIC की मीटिंग को ज्वाइन करने से, इसीलिए ये बात बोली जा रही है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने दोस्तों होस्ट किया इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ऑन संडे। 5 फॉरेन मिनिस्टर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दिल्ली के अंदर एक दिन के कॉन्फ्रेंस के अंदर है जो कि शामिल हुए। 3rd एडिशन था ये डायलॉग का, पहले भी डायलॉग हो चुके हैं। ट्रेड, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें जो कि इनके साथ में करी जा रही है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स की, बिजनेस तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा अफगानिस्तान इशू। ये लोग जानबूझ के क्यों आए, क्योंकि इंडिया क्यों आए, क्योंकि दोनों में ही इंडिया इनका इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करने वाला है, ट्रेड को लेकर भी और साथ में अफगानिस्तान वाले इशू को लेकर भी, ठीक है गाइस। तो अब हमारे पास में ट्रेड करने के 2 रूट हैं जो कि हम लोग करने का चाह रहे हैं सेंट्रल एशिया से। एक तो अपना ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, एक तो वहां से ट्रेड करेंगे, एक नॉर्थ और साउथ एक कॉरिडोर है जो कि हम लोग लेके जा रहे हैं रशिया, तो उसके बीच में भी ये लोग पढ़ते हैं, मतलब साइड में पढ़ते हैं, तो वहां से भी ट्रेड है जो कि किया जा सकता है, समझ गए मेरी बात। तो ये 2 तरीके हैं, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा जहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉपरेशन के बारे में बात करी गई है, ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे करी गई है। पाकिस्तान ने 57 नेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर उनको इनवाइट किया था OIC, जिसके अंदर नॉमिनी US के, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान, इनको भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया, इनको इन्वाइट किया गया था, समझ गए। लेकिन इन्होंने दिल्ली में आना थोड़ा बेहतर समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं OIC के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग पहले, ये सारे कंट्रीज जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इसके मेंबर हैं। अब आप इसमें देखोगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं, मेंबर होने के बाद में भी नहीं जाना बड़ी बात है। ऑब्जर्वर जो है आप देख सकते हैं रशिया ऑब्जर्वर है, और ठीक है ये वाली बात, जेदा में इसका हेडक्वार्टर है, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। 57 कंट्रीज इसके मेंबर है, और 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, समझ गए। चलिए आप देख सकते हैं, और इससे पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इन्होंने उज्बेकिस्तान के अंदर इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग हुआ था वहां पे पार्टिसिपेट किया था, जहां पे 5 कंट्रीज के ये लोग भी वहां पे आए थे। हालांकि सारे के सारे दोस्तों SCO के भी मेंबर हैं, आपको मालूम है ना, ये सारे के सारे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, 4, तो ये सारे के सारे 8 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन डायलॉग की बात करें तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, है ना, कनेक्टिविटी बेटर कर सकती है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए मीटिंग है जो कि करी गई। चलो ठीक है, अगर मैं इसके हिस्टोरिकल टाइज के बारे में बात करूं, देखो किसी भी रिलेशनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके हिस्ट्री। दो देशों के अगर हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छे होते हैं तो वो उसके प्रेजेंट के ऊपर भी जो है काफी इम्पैक्ट करते हैं।
तो इंडिया के रिलेशन दोस्तों सेंट्रल एशिया से बहुत ही पुराने रहे, इनफैक्ट आज से 2300 साल पुराने तक दोस्तों रहे हैं, समझ गए। तब ये सिल्क रूट दोस्तों इसी रास्ते से हुआ करता था, सारा ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने का सामान, आपके स्पाइसेस है ना, ये सब तो हुआ ही करता था। लेकिन उसी जमाने में लोगों के साथ में क्या होते थे, आइडियाज, फिलोसफी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजें भी दोस्तों साथ में ट्रांसफर हुआ करती थी। अगर मान लीजिए 1 लाख लोग बाहर से इंडिया आते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं तो कल्चर एक्सचेंज होता ही है, तो ये कल्चर एक्सचेंज भी काफी देखने को मिला। बुद्धिज्म दोस्तों सेंट्रल एशियन मेजर सिटीज के अंदर पहुंच गया था, मोनेस्ट्रीज वहां पे बनी, स्तूपाज वहां पे बन गए थे। उसके बाद में 15वीं 16वीं सेंचुरी में आपको मालूम है बाबर जब आया था फरगना से, सेंट्रल एशिया से आया था, वो भी पानीपत के अंदर है ना, मुगल रूल भारत में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा आमिर खुसरो हो गए, ब्रूनी हो गए, रहीम खाने खाना हो गए, ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्री से ही रूट है जो कि इंडिया के अंदर आए थे, है ना। रेहला के जो राइटर है ना, वो इंडिया वहीं से घूमते हुए आए थे। सोवियत पीरियड के टाइम पे भी दोस्तों जब यूएसएसआर हुआ करता था तब ये पूरा एरिया जो है वो 1991 तक यूएसएसआर के अंडर में था, तो उस टाइम पे भी कल्चर, म्यूजिक, डांस, मूवीज, लिटरेचर काफी जो है वो एक्सचेंज हुए थे, है ना। राज कपूर, नरगिस, ओके, ये इन्हों काफी शूटिंग है जो कि हुआ करती थी उस जमाने में, उस जगह पे भी, और है ना उन साइट को काफी पॉपुलर है जो कि इंडियन मूवीज के अंदर बनाया गया था। चलिए लेकिन पिछले 25 सालों के अंदर बात करें तो जब से 1991 के बाद में जो है कंसिडरेबली नेग्लेक्ट है जो कि ये कंट्रीज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये सारे अमीर कंट्रीज नहीं है, गरीब कंट्रीज है ना। इंडिया से भी ज्यादा बुरे हालात है जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना रशिया ने अपना कर लिया कंपेरेटिवली इन सारे कंट्रीज के, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, तो 1991 के बाद में प्रॉब्लम हो गई। अभी हमने दोस्तों काम कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर, ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, 2000 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी, पीटर्सबर्ग से ईरान रशिया होते हुए इंडिया तक दोस्तों ये आ रहा है, ठीक है। इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से दोस्तों कनेक्ट करके हम लोग ईरान, पीटर्सबर्ग और जी सेंट्रल एशियन ये सारे कंट्रीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये तो है आपका स्टैंडर्ड रूट, नॉर्मली जो है आपका ये रूट है, अगर आपको कोई भी सामान भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंबई से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, ठीक है, रेड सी होते हुए इस तरीके से मेडिटेरियन होते हुए हमारे यहाँ पे सामान को पहुंचाते हैं। लेकिन अभी जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट से आपका कैस्पियन सी और इस तरीके से पीटर्सबर्ग। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ये सारे कंट्रीज इससे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से इन पोर्ट से, समझ गए, यहाँ से आप सामान लेके जा सकते हो। तो ये वाले पोर्ट के से हम लोग इसको और बेटर है जो कि बना रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, मैरिज एज वाले बिल को लेकर तो काफी अपोजिशन ये सब हो ही रहा है, खैर लेकिन कुछ ज्यादा मुद्दा है नहीं वैसे, ये बनाना नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नानावती जी को लेकर। देखिए नानावती जी दोस्तों वो पर्सन थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, जब दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो कि देश में हुए, तो गोधरा कांड वाले और एक आपका क्या बोलते हैं 1984 के अंदर एंटी सिख जो राइट्स हुए थे उस टाइम पे। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे जस्टिस गिरीश नानावती जी, ओके, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया 84 के एंटी सिख राइट्स को और 2002 के गोधरा राइट्स को, उनकी मृत्यु हो गई अभी सैटरडे को 86 की उम्र के अंदर, कार्डिक फेलियर आया था, गुजरात के अंदर ये रहते थे। 1935 में इनका जन्म हुआ था मतलब, और एडवोकेट बने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, उसके बाद में गुजरात में रहे, उसके बाद उड़ीसा के हाईकोर्ट पहुंच गए, चीफ जस्टिस बने उड़ीसा हाई कोर्ट के, उसके बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट के बने, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। 1995 से लेकर 2000 तक ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे। तो जस्टिस नानावती और अशोक मेहता 2014 के अंदर इन्होंने फाइनल रिपोर्ट है जो कि सबमिट करी 2002 के राइट्स को लेकर, किसको, आनंदीबेन पटेल को, 2014 के अंदर जब सरकार बदल गई थी तब इनकी रिपोर्ट आई और क्लीन चिट है जो कि वहां पे अमित शाह जी से के अलावा सबको मिल गई। इसके अलावा इसके अंदर 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी इस वाले वायलेंस के अंदर। 2002 के अंदर भी दोस्तों कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को प्रूव करने को लेकर, राइट्स को लेकर, ठीक है। इसके अलावा नानावती जी को दोस्तों बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने 1984 के जो राइट्स हुए थे ना, 96 राइट्स, उसको भी पता करने के लिए कमीशन के तौर पे अपॉइंट किया था, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी रिस्ट्रिक्शन यूरोपियन कंट्रीज में लगने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम को लेकर। जर्मनी ने दोस्तों धमकी दे दी है रशिया को और ये बोल दिया कि अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया, समझ गए, ठीक है, अगर यूक्रेन पे हमला किया तो हम जो आपके यहां से गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं ना
उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जर्मनी ने धमकी दे दी है कि नॉर्ड स्ट्रीम वोंट ओपन इफ रशिया अटैक यूक्रेन। आपको मालूम है कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि यूक्रेन की चारों तरफ बॉर्डर पर रशियन ने अपने सोल्जर्स लगा दिया है और रशिया यूक्रेन के जो है प्राइम मिनिस्टर है वो भी रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी चिंता की स्थिति थी क्योंकि यूक्रेन एक तरीके से गेटवे टू द यूरोप माना जाता है। अगर यूक्रेन पे कब्जा हो गया तो यूरोप से काफी पास में रशिया जो कि आ जाएगा और रशिया की एक और समस्या यूरोपियन कंट्रीज जो कि काफी पीस लविंग कंट्रीज है उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जर्मन इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर रोबर्ट ने दोस्तों साफ तौर पर बोल दिया है कि ये कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे रशिया को। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी जा रही है, जर्मनी ने ये पाइपलाइन की सहमति जो दी थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये दो कंट्री है जिन्होंने इस सहमति को दिया। हालांकि यूरोपियन यूनियन की कंट्री ने बोला था कि रशिया से मदद मत लो क्योंकि अगर ये मदद देगा तो आने वाले टाइम पे हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ये जो है फिर सही तरीके से चलेंगे नहीं, हमारे काम के अंदर बार बार दखल देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो लेकिन जर्मनी को जरूरत थी क्योंकि जर्मनी को नेचुरल गैस चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी, तो उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन पहले तो क्या होता था कि जो आती थी ना गैस पाइपलाइन वो यूक्रेन से होती भी आती थी तो यूक्रेन को टैक्स देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। रशिया ने बोला एक काम करो यूक्रेन को हटाता हूँ मैं, डायरेक्टली लेके आता हूँ। जर्मनी बोला ठीक है डायरेक्टली तो हमारे भी पैसे बच जाएंगे, तो जर्मनी ने अलाउ कर दिया। तो अब इससे क्या है, वैसे भी ऑलरेडी रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन काफी डिपेंडेंट है नेचुरल गैस पर, अब इसके बाद में तो और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो रशिया के पास में क्या आ जाएगा कि थोड़ी और पावर आ जाएगी नेगोशिएट करने की। तो इसीलिए इसको यूरोपियन यूनियन ने मना किया था लेकिन जर्मनी ने हाँ करी। लेकिन जर्मनी ने यहाँ पे स्टैंड रख दिया कि जियो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से कि पाइपलाइन जो एक तरीके से मिस्टेक थी और बेल्टिक सी की जो पाइपलाइन है जो कि डबल कर देगी सप्लाई नेचुरल गैस की रशिया से जर्मनी, ओके उसको लेकर बताया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे अगर यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी हमला है जो कि रशिया के द्वारा किया गया है। तो अभी काफी सारे ट्रूप्स है जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दोस्तों कई सारे माइग्रेंट जो है ना वो भी यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर दोस्तों खड़े कर दिए रशिया ने, क्योंकि रशिया चाहता है कि ये जो नॉर्थ अफ्रीका गल्फ कंट्रीज में जो भी माइग्रेंट है जो कि ये लोग कैसे ना कैसे करके यूरोपियन कंट्री में घुस जाए और वहां पे डिस्टेबलाइज कर दे यूरोपियन कंट्रीज को, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे न्यू जर्मनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे थ्रेटन किया है ब्लॉक करने के लिए पाइपलाइन को जो कि रशिया से ऑपरेट कर रही है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है ये देखो पुराने वाला तो दोस्तों ये वाला रूट था, ठीक है ये वाला, ठीक है ये देख सकते हो ये सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सी होते हुए जर्मनी की तरफ जा रही है, ठीक है ये देखिए ये एक सेलेक्टेड रूट था। अब ये डायरेक्ट यहां से लेके जा रहे हैं नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये दोनों ही बाल्टिक सी से होती हुई जा रही है, लेकिन जो इससे प्रीवियस था ना वो यूक्रेन से होती हुई जाती थी पाइपलाइन, तो यहाँ पे इनको पैसा भी बहुत सारा देना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी जाएगी बाल्टिक सी के होते हुए, 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस है जो कि पर ईयर ये लोग लेके जाएंगे। 2015 के अंदर डिसाइड किया गया था नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जो है वो जर्मनी को अवेलेबल करवाता है, ठीक है गाइस, 55 बिलियन जो है वो और अवेलेबल करवाई जाएगी। ईयू की अगर मैं डिपेंडेंस की बात करूं रशिया के ऊपर तो आप देख सकते हो दोस्तों इससे नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंस और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 40% जो भी गैस आती है ना यूक्रेन को रशिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन को जो जरूरत पड़ती है वो देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, नए वाले रूट में बाईपास किया जा रहा है यूक्रेन को, ठीक है गाइस। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके जो पैसे थे ना $3 बिलियन ट्रांजिट फीस जो पर ईयर देते थे वो बच जाएगी यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से जियोपॉलिटिकल विन सिचुएशन है जो कि रशिया के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है और यूएसए और उसके अलायंस के ऊपर एक तरीके से, ठीक है ये काफी बड़ा एक हार है जो कि देखने को मिल सकती है। और यूएसए ने पहले तो मना कर दिया था इस प्रोजेक्ट को लेकिन बाद में फिर प्रेशर में आकर उसने जर्मनी को अलाउ कर दिया, ठीक है। संडे के द इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बस ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। उड़ान योजना के बारे में यहाँ पे काफी बड़ा एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है। द हिंदू के आज के पेपर के बारे में बात करें तो दोस्तों एक लिंचिंग है जो कि पंजाब के अंदर अपने हरमिंदर साहब जो अपने गोल्डन टेम्पल है वहां के देखने को मिली, क्योंकि एक लड़का जबरदस्ती जो अपना मेन एरिया होता है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है उस एरिया के अंदर घुस गया, दो सेवादार ने उनको वहां पे बीट करना चालू किया आम जनता ने और उसके बाद में वहां पे लिंचिंग हो गई। पिछले कुछ टाइम में रिलीजियस लिंचिंग जो है वो पंजाब में दूसरे देखने को मिल रही है। कुछ टाइम पहले आपको मालूम है किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे भी इस तरीके से एक रिलीजियन लिंचिंग है जो कि देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 6 देश ने कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए मदद देने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है इस मीटिंग के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो कि डबल रूट ब्रिज की दी गई है मेघालय के अंदर। श्रीलंका ने 55 भारतीय फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने इलीगल फिशिंग करी है श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर के अंदर, ठीक है। तो नेवी ने उनकी बोट उनको सीज कर लिया, कुछ दिनों के अंदर छूट जाएंगे। ये होता रहता है, दोनों एक दूसरे के फिशरमैन को पकड़ते रहते हैं क्योंकि पता नहीं होता ना एक तरीके से, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है पानी के अंदर, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे राहुल गांधी का स्टेडियम है, स्टेटमेंट है, और बाकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रूट है, आपको देख रही है, मतलब बहुत ही जबरदस्त बात है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय के अंदर ये रूट ब्रिज है, मायनोंग करके एक गाँव है वहां पर, तो मतलब मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर दूर होगा शिलोंग से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, यहाँ पे डबल रूट ब्रिज भी मिलती है। ये रूट है, मतलब ये जो जड़े है ना उससे ब्रिज बनाया गया है, मतलब सोचिए। और बहुत सारे लोगों का वेट है जो कि ये सह लेता है, बहुत ही पुराने पुराने ट्रीज है, और इनके रूट से ये देखो नदी के ऊपर से जाने के लिए रूट से ब्रिज बनाया जाता है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, मेघालय के अंदर देखने को मिलता है खासी विलेज के अंदर, और बहुत सालों से मतलब इंट्रीज से रूटवे है जो कि बनाया जाता है। तो ब्रिज विद लाइफ, ये देखिए डबल डेक ब्रिज है, रूट से ही दो ब्रिज है जो कि बनाती है, लोग आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2016 में मैं भी गया था तब देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये उस टाइम की ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। तो इनको लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं, है ना। तो इनको ये देख सकते हो आप, वहां पे जिंक बोलते हैं नॉर्मल वहां की लैंग्वेज के अंदर। एरियल ब्रिज है जो कि वेविंग करके मैनिपुलेट करके रूट्स को इंडियन रबर ट्री से बनाया जाता है। ये कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, ये ओरिजिनल रूट होती है ना, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज होती है उनको रूट से किस तरीके से सामान को बनाया जाता है। ओके, तो उससे उसको काफी पुराने जब रूट ट्री हो जाते हैं ना तब उनसे उसको बनाया जाता है, ठीक है गाइस। और कनेक्टर्स माने जाते हैं इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय के अंदर चीजों को पार करने के लिए, रिवर स्ट्रीम को पार करने के लिए। चलिए, और बहुत ही इलास्टिक होते हैं ये, इजीली कंबाइन कर सकते हैं, रफ और रॉकी सॉइल है, मतलब इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप देखोगे ना आसपास के एरिया के अंदर तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब काफी चीजें आपको, हर चीज के जो चीजें ना, जैसे कि अगर रूट से ही आपको टेबल चेयर बनी हुई मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको बनी हुई मिल जाती है, ठीक है, ये देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 की दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे गोवा के इंडिपेंडेंस को लेकर, इसके अलावा तो कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी है, 60 एनिवर्सरी है जो कि लिबरेशन ऑफ द गोवा क्या पे रिसेंटली सेलिब्रेट करी गई। पोर्चुगल से हमने 1961 के अंदर ऑपरेशन विजय किया था, दो दिन के अंदर ही जो है पोर्चुगल की सेना ने जो है वहाँ पे हथियार डाल दिए थे, और 1961 के अंदर गोवा, दमन एंड दीव ये सब है जो कि आज़ाद हो गए, जो है इंडिया के अंदर शामिल हो गए थे, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे यही चीज़ें जो कि बताई गई है, मोदी जी यहाँ पे पहुंचे, इनॉग्रेट किए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 600 करोड़ के, इलेक्शन भी यहाँ पे जल्दी ही है कुछ महीने के अंदर आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें बातें बोली गई, आपको मालूम है पहले यहाँ पे सीएम हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर जी, बहुत ही जबरदस्त थे, अभी प्रमोद सावंत जी बने हुए हैं यहाँ पे। तो 450 साल दोस्तों पोर्चुगीज ने जो है वो भारत के ऊपर रूल किया, मतलब भारत के एक एरिया के ऊपर रूल किया। गोवा जो है वो पोर्चुगीज के अंडर में था मतलब, और उसके बाद में फिर ठीक है मुगल्स आए चले गए, लेकिन पोर्चुगीज ने अपना एरिया जो है वो कभी भी नहीं छोड़ा, 1961 में आके छोड़ा, उस टाइम पे भी छोड़ने को राजी नहीं थे, लेकिन वो तो खैर हमारी सेना काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, हम लोग वॉर लड़ चुके थे, तो उसके बाद में यूरोपियन ने किसी ने सपोर्ट किया नहीं, है ना, उसके बाद में उनको छोड़ा बना। तो 19 दिसंबर को हर साल जो है वो माना जाता है, ठीक है। 1961 में 450 साल का पोर्चुगीज रूल है जो कि बैन कर दिया गया। ओके, 1510 के अंदर पोर्चुगीज ने कॉलोनाइज किया कई सारे देश में। 1498 के अंदर दोस्तों वास्को डी गामा, किसके मामा, वास्को डी गामा है जो कि आपके यहाँ पर जो मैरियन रूलर के यहाँ पे आए थे कैलिकट, और उन्होंने यहाँ पे ठीक है देखा कि यहाँ पे तो फायदे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो स्पाइसेस है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त है, तो सामान यहाँ से वहाँ पे इम्पोर्ट करना चालू किया यूरोपियन में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक बोला कि यहाँ पे अपनी एक कॉलोनी बसा देते हैं, अपने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा देते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। फिर गोवा पे कब्जा कर लिया, गोवा पे दोस्तों 450 साल रहा। चलिए, तो गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, है ना, और अंजे दीवा आइलैंड हो गया, ये सारे उन्हीं के कब्जे में हुआ करते थे, ठीक है गाइस। चलिए, और इसके अलावा पहले तो डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाए गए थे लेकिन उसके बाद माने नहीं, फिर मिलिट्री ऑपरेशन हमने ऑपरेशन विजय जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया नेवी एयरफोर्स और एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के द्वारा, दो दिन के अंदर ही जो है वो सरेंडर कर दिया। पोर्चुगीज के गवर्नर थे वसालो डी सिल्वा, है ना, वसालो डी सिल्वा थे। तो क्या देखो, बहुत बाद में गए ये लोग, तो आज एंग्लो इंडियन किनको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन उन्हीं को बोलते हैं
एंग्लो इंडियन उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो कि पहले पोर्चुगीज के रूल पे रहा करते थे, लेकिन वो इंडिया में ही रह गए पोर्चुगीज के जाने के बाद में भी, जिसके मदर फादर या फिर जो ग्रैंड फादर या फिर ये जो लोग हैं ना, उनके पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश ये लोग हुआ करते थे, लेकिन उनके बच्चे इंडिया में रहते हैं ना, उनको हम लोग एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो पहले लोकसभा के अंदर 2 सीटें भी थी इनके लिए, लेकिन अभी वो हटा दिया हमने, है ना, क्योंकि ज़्यादा वो है नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है ज़्यादा, वो खाली पड़ी रहती थी मेजरली। ठीक है गाइज, तो मेजर जनरल उस टाइम पे कौन थे? कैंडिड थे जिन्होंने अपॉइंट किया गया मिलिट्री गवर्नर ऑफ द गोवा के, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आ गया। तो गोवा को हमने दोस्तों 1967 में रेफरेंडम मिलाया, ओके, तो कंटिन्यू एज ए यूटी के तौर पर उन्होंने इसको कंटिन्यू रखने के लिए बोला। तो यूटी का स्टेटस है जो कि गोवा, दमन एंड दीव को दोस्तों मिला था, है ना। 12th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि हमने पास किया, पेपर में पूछते हैं और वापस से भी पूछेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है 1963 के अंदर। तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है जो कि दिया गया। चलिए, और आज तक एक ही बार जो है वो रेफरेंडम हुआ है, मतलब आपको मालूम होगा रेफरेंडम हम लोग जनमत संग्रह में क्योंकि बिलीव नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने क्या हुआ है कि इंडिया जो बना है ना, हमने देश को बनाया है, मिलके बनाया है, समझ गए। यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे स्टेट ने कंट्री को बनाया है मिलकर, सारे स्टेट अलग अलग थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है एक देश बना लेते हैं, कौन सा देश बनाए, चलो ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बनाते हैं, तो उन्होंने कंट्री बना दिया, इसलिए वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप चाहिए होती है। लेकिन हमने अलग है, हमारा एक देश था, हमने राज्यों को मिलाया है, समझ गए। इसलिए हमारे लिए जनमत संग्रह जरूर बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर कुछ जमाने में करवाते तो लोग यही बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो सबको अलग अलग कंट्री बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो इसलिए ओनली रेफरेंडम आज तक जो हुआ है वो यहीं पर ही हुआ है। किस लिए करवाया गया था? कि आपको महाराष्ट्र के साथ में मर्ज होना है या फिर आपको यूनियन टेरिटरी रहना है, समझ गए मेरी बात। तो गोवा के ओपिनियन पोल इसको नाम है जो कि दिया गया था, और उन्होंने बोला नहीं ठीक है हम तो यूटी ही बनाए रहना पसंद करेंगे। 1987 तक दोस्तों वो सेपरेट हुआ दमन एंड दीव से, और उसके बाद में भारत का 25वां जो है वो राज्य बना था, ठीक है गाइस, और दमन एंड दीव को यूटी रखा गया। तो आप देख सकते हैं 17 से 19 दिसंबर ये युद्ध हुआ, 2 साल 2 दिन का युद्ध तो क्या ही था मतलब, ओके, और इंडियन विक्ट्री हुई। राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे पीएम थे, कृष्णा मेनन जी डिफेंस मिनिस्टर, और जे एन चौधरी जी हमारे आर्मी के हेड थे यहाँ पे, पोर्चुगल के प्रेसिडेंट उस टाइम पे टॉमस करके थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सालाजर करके थे, ओके। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ जो है हमारे यहाँ पे 45,000 की थी, इनके पास में 3,500 की थी, ओके। तो कोई पॉसिबल 20 या 30 हमारे जवान शहीद हुए, 20-30 इनके जवान शहीद हुए, उसी में इनको समझ में आ गया कि कोई मतलब नहीं है, समझदार थे। चलिए आगे बात करें डिफेंस की, तो मार्गो गोवा आप देख सकते हैं नेवी का सेकेंड इंडिजीनियस स्टील डिस्ट्रॉयर थे, P-15B क्लास के डिस्ट्रॉयर थे, इनको कमीशन किया गया अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की लेकर दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी बैडमिंटन की हुई, वहां पे हमारे श्रीकांत और प्रणव के बीच में सेमीफाइनल हुआ, जिसको सेमीफाइनल को जीता श्रीकांत ने, ठीक है। तो श्रीकांत फाइनल में पहुंचे, और यहाँ पे लोहे करके ये साउथ कोरियन प्लेयर थे, तो इनसे दोस्तों फाइनल हार गए, और सिल्वर मेडल है जो कि मिला है। पहले ऐसे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जो उन्होंने एंट्री ली और सिल्वर मेडल जीता, ठीक है गाइस। वर्ल्ड के फॉर्मर नंबर 1 प्लेयर भी ये रह चुके हैं, हालांकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा इनको टक्कर नहीं दे पाए, ज्यादा जल्दी मतलब 2 सेट के अंदर ही हार गए, लेकिन ये भी बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, और सिंगापुर के, साउथ कोरिया के नहीं, सिंगापुर के प्लेयर है, सिंगापुर का है लॉ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं जो कि गो कार्टिंग को लेकर, आपने देखा है देखो क्या होता है, फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप आपने देखी होगी, फॉर्मूला 1 तो बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, उससे पहले नीचे होती है फॉर्मूला F2, फिर उसके नीचे होती है F3, उसके नीचे होती है गो कार्टिंग, छोटे से टायर लगे हुए रहते हैं चारों तरफ, उसके अंदर आप गाड़ी भगाते हो, देखा कभी आपने मूवी वूवी में देखा होगा, तो उसको गो कार्टिंग कहते हैं, उसका भी एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हम लोग क्या, कोई भी बच्चे को अगर फॉर्मूला 1 तक पहुँचना है तो उसको सबसे पहले गो कार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, समझ गए। तो गो कार्टिंग का ये टूर्नामेंट हुआ जहाँ पे पहले भारतीय जिन्होंने यहाँ पे कोई मेडल जीता उनका नाम है कैल, ठीक है गाइस। तो ये रेसिंग कैल आदित्य करके है जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल है जो कि जीता है, कोयम्बतूर के अंदर इस टूर्नामेंट को करवाया गया था। एनुअल कार्टिंग चैंपियनशिप रोटेक्स नेशनल चैंपियनशिप है जो कि कहते हैं 100 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये बहरीन इंटरनेशनल कार्टिंग सर्किट के अंदर है जो कि इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, ओके। 18 साल के हैं और तिरुची से बिलोंग करते हैं, तो ये गो कार्टिंग है। गो कार्टिंग के ऊपर ऊपर इस तरीके से F3 होती है, फिर F2 होती है, फिर फॉर्मूला 1 में पहुंचते हो आप, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों दिल्ली के एक बैट्समैन है यश करके,
तो ये इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम को लीड है जो कि करने वाला है, समझ गए। वेस्ट इंडीज के अंदर दोस्तों अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, तो उसके अंदर चार बार के विजेता है हम लोग, है ना, और हम लोग साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, युगांडा इनके साथ में ग्रुप बी के अंदर है। तो अब इंडियन टीम है जो कि यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली है, ठीक है गाइस। चलिए इसके अंदर यश को कैप्टन है जो कि बनाया गया है। आगे बात करते हैं, यह है आज का फन फैक्ट। आपको मालूम है कई बात कि जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी ना ग्रीस के अंदर, उस टाइम पे सिर्फ पुरुषों के लिए दोस्तों टूर्नामेंट हुआ करता था, और आपको मालूम है सारे पुरुष जो है वो नेकेड खेला करते थे। ये उसी टाइम की दोस्तों फोटोज है जो कि रेसलिंग की डिस्कस थ्रो की आप देख सकते हैं, तो उस टाइम पे बिल्कुल नेकेड खेला करते थे, इसलिए महिलाओं को वहां पे अलाउ नहीं हुआ करता था। उनको लगता था कि इनको समझ में नहीं आता था कि भाई कैसे स्पोर्ट्स खेला जा सकता है, कौन से कपड़े पहन के, तो उन्होंने बोला अरे हटाओ यार क्या पहनने, सारे पुरुष ही तो है, तो उन्होंने पूरे रिमूव कर दिए। ये है आज का फन फैक्ट, ठीक है गाइस। यूपीएससी की प्राइसेस राइज होने वाली है 23 दिसंबर से। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, साथ में आपको प्राइसेस के अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है, प्लस में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और BHU 10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है। इस जीएस का फाउंडेशन बैच जो है वो SSC कैटेगरी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और एक बच्चे की एजुकेशन भी आप smileforallsociety.org से जाके 500 रुपये पर मंथ में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे वॉलंटियर भी बन सकते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस, मिलते हैं वापस से शाम में 5 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।